ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खुश हैं, खैरियत से हैं और परमेश्वर के और नजदीक आ रहे हैं। बिल्कुल रिबेका, देखते देखते ये आधा साल जो है वो खत्म हो गया है और हमें यकीन है कि आने वाले इस महीने में और बचे हुए साल में भी परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ कमाल का कार्य करने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम इंक्लूशन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम खास प्रार्थना करेंगे हम सब के बच्चों के लिए और खास उन बच्चों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, परमेश्वर उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे। तो दोस्तों, आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज का एपिसोड जो है, ये खास उन बच्चों के लिए है जो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर उन्हें और उनके माता पिता को बहुत अनुग्रह दे। आज की टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रत्युष और शिल्पा से। हर विवाहित जोड़े की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी कि परमेश्वर इन्हें एक बहुत ही प्यारे से बच्चे के साथ नवाजे और ऐसा हुआ। परमेश्वर ने इन्हें एक बहुत प्यारा बच्चा दिया, लेकिन इस बच्चे की कुछ स्पेशल नीड्स हैं। इस बच्चे का नाम है आयुष और ये ऑटिज्म से पीड़ित है। इस बात को एक्सेप्ट करना पेरेंट्स के लिए इतना आसान नहीं था, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन कैसे इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और किस तरह वो इस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और क्या क्या अप्स एंड डाउन से वो अपने जीवन में गुजरे हैं, आज वो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इनसे हम मुलाकात करें। बाकी सभी शादीशुदा जोड़ों की तरह शिल्पा और प्रत्युष ये जानकर खुश थे कि वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। आयुष के जन्म के समय उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, उन्हें एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। वो अपनी उम्र के हिसाब से हरकतें नहीं किया करता था। 4 महीने का होने पर उसने पलटी मारी थी जो टाइम पर नहीं थी और वो मुझे देखता ही नहीं था। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे अपने हाथ पैर मारते हैं, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता था। फिर मैं इंटरनेट पे सब कुछ ढूंढने लग गया, जैसे क्या माइलस्टोन होने चाहिए, उसे इस उम्र में क्या क्या करना चाहिए। उसके लगभग 6-7 महीनों के होने पर मैंने कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो असल में होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही थी। उसका शरीर थोड़ा ज्यादा लचीला था और साथ ही वो बैठ नहीं पाता था। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास भेजा जिसने उन्हें वो न्यूज दी जिसका उन्हें डर था। वो समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय था और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी जब मैंने डॉक्टर के लिखे उन सभी टेस्ट्स को और उन रिपोर्ट्स को देखा था। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पूरा डायग्नोसिस होते होते थोड़ा समय लग गया था, जब तक वो 5 या 6 साल का हुआ था। लेकिन हम लोगों को मेजर इशू के बारे में जो डायग्नोसिस था उसका 2014 में ही पता चल चुका था। हम जानते थे क्या परेशानी है। अब शिल्पा और प्रत्युष को एहसास हुआ कि परमेश्वर पर विश्वास और उनके परिवार का साथ ही उनके स्पेशल चाइल्ड की परवरिश में आने वाली चुनौतियों में उनकी मदद कर सकता है। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे इस बात को स्वीकारने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि सब छोड़ो और इस सब का मुकाबला करो। मेरे लिए इसे स्वीकार करना कि ये चीजें अब इस तरह से होने वाली हैं और इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, ये मुझे परमेश्वर ने सिखाया और परमेश्वर की ताकत के बिना मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाती। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने ही मुझे अपने आसपास के अन्य लोगों को समझने में भी मदद की। जब मैंने बाइबल में अय्यूब की किताब को पढ़ा तो जिस कठिनाई से वो गुजरा था, मैं अपनी हालत को उसकी हालत से काफी हद तक जोड़ पा रहा था। परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और आयुष ने आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया। वो रिस्पॉन्स करने लगा और अपने माता पिता को पहचान रहा था। हर मुश्किल, हर चुनौती
जिसका सामना आयुष करता है, उससे मुझे सब्र के बारे में सीखने को मिला है, कैसे सब्र से हर काम को करना चाहिए। जब भी वो अपना ध्यान किसी खास चुनौती पर लगा लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है। मैंने उससे सीखा कि कभी भी किसी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ वो खुद करता है ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और माँ बाप होने के नाते हम इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। जब भी वो कुछ हासिल करता है तो हमें बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। आज शिल्पा, प्रत्युष और आयुष तीनों एक साथ अपना समय खुशी से बिताते हैं। इससे भी बढ़कर उनका मानना है कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो किसी तरह की मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि समुद्र में क्या होता है। अगर आप रिप करंट में फंस जाते हैं तो रिप करंट वो होता है जिसमें आपको लगता है कि वो सामने की तरफ है, हालांकि आप किनारे पर खड़े होते हैं, लेकिन आपको महसूस होता है कि आपको कोई अंदर खींच रहा है। रिप करंट से बाहर निकलने का बस एक तरीका है, इसके साथ बहना, एक खास जगह पर पहुंचना। सभी माता पिता को मेरा संदेश होगा कि इस बात को एक्सेप्ट करो, इस बात को मान लो कि कुछ हुआ है। जितनी जल्दी आप चीजों को अपना लेंगे, चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, वो बेहतर होंगी। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते तो आज हम दिमागी रूप से किसी बुरी हालत में होते। परमेश्वर की उपस्थिति हमें अपने बीच लगातार महसूस होती है। और एक वचन है जो मैं हमेशा अपने मन में पढ़ा करती हूँ, वो है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन मुझे हर मुश्किल का सामना करने में मेरी मदद करता है। वाव राहुल, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। अक्सर राम ऐसे परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं या डिप्रेस्ड फील करते हैं और कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर से कंप्लेन करते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि शिल्पा और प्रत्युष दोनों किस खूबी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं आयुष के लिए। जो एंड में शिल्पा ने पढ़ा और प्रत्युष ने कहा वो बहुत सच है कि इस बात को मान लेना है और साथ ही साथ परमेश्वर पर निर्भर होना है। उसका अनुग्रह मदद करेगा आपको कि आप इस स्थिति से भी उभर कर आए। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपके भी परिवार में कोई ऐसा सदस्य या बच्चा है जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने परिवार में, अपने जीवन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के पास आएं। आपको परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है, परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है दैट यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस यू। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ शास्त्र में कहानी से। कहानी है एक ऐसे जोड़े की जो गुलामी में थे बरसों से, 400 साल की गुलामी से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम थी। और ऐसे में उन्हें खुशखबरी मिली कि उन्हें बच्चा होने वाला है। लेकिन इस खबर के मिलते ही उन्हें एक और खबर मिली कि राजा ने ऐलान किया था कि अगर बच्चा लड़का होगा तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं माँ बाप होने के नाते वो कितना चिंतित होंगे, लेकिन ऐसे में वो विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि ये बच्चा जो है इसे परमेश्वर उनकी मदद करेगा संभालने के लिए। तो 3 महीना वो उस बच्चे को छिपा कर रखते हैं और फिर 3 महीने बाद हालात कुछ ऐसी होती है कि उन्हें वो बच्चे को त्याग देना है। अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए, बेचारा नादान है, 3 महीने का है, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप उसे एक टोकरी में डालते हैं और एक समुन्द्र में बेच देते हैं। लेकिन आगे जाकर दोस्तों हम सुन जानते हैं ये कहानी जो है ये निर्गमन में लिखी हुई है, शास्त्र के निर्गमन की किताब में हम देखते हैं वो बच्चा बड़ा हो गया और उसका नाम मोसेस है, वो मूसा करके कहलाया। और वो बच्चा ही नहीं लेकिन आगे जाकर वो अपने देश के लिए एक मसीहा के रूप में उतरा, जिसने अपने देश को बचाया भी और उन्हें प्रतिज्ञा के देश के करीब भी ले गया। दोस्तों ये वचन हमें, ये कहानी हमें आश्वासन देती है कि हम शायद सीमित होंगे, हम शायद मजबूर होंगे, हम शायद लाचार होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, वो हमारे बच्चों की देखभाल कर सकता है। एक वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ये प्रतिज्ञा है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। शास्त्र है वचन संहिता 121 और उसके चंद वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। साम 121 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, वचन संहिता 121
पांचवें वचन से पढ़ रहा हूं, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा को थामें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, आज जो आपके चैलेंजेस हैं इनमें अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। अब समय है छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया आपके प्रेयर्स को आंसर करने वाली हैं और आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। So hot. Oh, hello kids. गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, but इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। Superbook is back with Sunday School at Home Season 3. एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone, hi Debbie, hi Khushi, और हम मिलके सीखेंगे नए crafts, Bible stories, games and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3 from 5th of June every Sunday 3:30 PM on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे स्पेशल हैं, जो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और उसका अनुग्रह आपके साथ है जी। और हम प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ताकि परमेश्वर इन बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे। और इस समय भी CBN प्रेयर लाइन में हम जुड़ने जा रहे हैं निवेदिता और ग्लोशिया के साथ, जो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो आइए इस समय हम भी प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी, our prayer life is often influenced by others who pray and inspire us. इसलिए मैं आप सबसे request करना चाहूंगी कि आप Monday to Friday सिर्फ 30 मिनट निकालें और एक नई जिंदगी शो को देखिए। शो के द्वारा आप prayerful लोगों से प्रेरित होंगे और वचन आपको ताकत देगी। आज हम specially प्रार्थना करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो special हैं और differently abled हैं। Have faith and have faith to courage to face all your challenges. और इसमें CBN प्रेयर लाइन आपका साथ देना चाहती है, सो कॉल अस नाउ एंड प्रे विद अस। अब हम अपने पहले कॉलर के लिए प्रार्थना करते हैं। ना बच्चे का दोस्त पर हमला था, कोई दोस्त वहाँ आपके पास चंडीगढ़ गए थे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बात करोगे कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। सब जगह से मैं फंस गया मैम, उसका मसल जो है मसल टूट रहा है, मतलब और कुछ नहीं हो रहा है, बाकी चल नहीं पा रहा है, 9 साल का बच्चा हो गया। भाई हम जानते हैं ये डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, लेकिन आप यकीन रखिए कि परमेश्वर उस बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। आइए इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय में आपके पास आते हैं इनकी प्रार्थना निवेदन को लेकर, इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये आपका क्रिएशन है, इसको आपने बनाया है। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आप इनके चैलेंजेस में इनको स्ट्रेंथ देंगे, इनको हिम्मत देंगे। पिता परमेश्वर, इनको गाइड करिए पिता परमेश्वर कि कैसे उस बच्चे को बड़ा करना है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इनके सिचुएशन को, इनके लाइफ को और इस बच्चे को आपके महान हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से आती है। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
भाई हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। मेरी बेटी इलियाना जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, वो सबसे समझने में दिक्कतें हैं, कमी है, समझ नहीं पाती हर चीज़ को, और उसे लिखने में भी प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं प्रार्थना कराना चाहती हूँ। जी हाँ बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहन के इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं, इलियाना के लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर, कि आप इस बच्चे को सामर्थ दें परमेश्वर, उनके माँ को सामर्थ दें, उनके पूरे परिवार को सामर्थ दें पिता परमेश्वर, ताकि वो उसे बड़ा करने में आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उसे बड़ा कर सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस परिवार के साथ हैं परमेश्वर, और इनको पिता परमेश्वर इस जर्नी में आप इनका साथ देंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जानती हूँ कि उन सारे बच्चों को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, पड़ता भी होगा, बहुत डिफिकल्ट आपके लिए होता होगा, फिर भी आज हम दोनों आपको एनकरेज करना चाहते हैं। ग्लोशिया, डिफिकल्ट तो होगा, पर लॉर्ड का प्रॉमिस जो जेरेमाया 29:11 में हम देखते हैं, फॉर अ बेटर होप एंड फ्यूचर, वो हम सब के लिए एक जैसा है। तो अपनी सामर्थ आप परमेश्वर से सीख करें, एनकरेज्ड रहें और परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें। आइए इसी के साथ हम अपने थर्ड कॉलर से बात करते हैं। प्लीज प्रे फॉर माय डॉटर अनिका, शी इज 4 ईयर ओल्ड और वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए गुड हेल्थ और अच्छे फ्यूचर के लिए प्रेयर करें। ज़रूर भाई, आपने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने वचन में कहा है, लोगों से कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। इसलिए इसी विश्वास के साथ, इसी प्रेम को याद करते हुए आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम इन भाई के लिए और इनकी बेटी के लिए। पिता परमेश्वर, इनको आपने रचा है पिता परमेश्वर। जी हाँ पिता परमेश्वर, आप उनसे उसी समान प्रेम करते हैं जिसके लिए पिता, उसी प्रेम के लिए पिता परमेश्वर आपने अपनी जान दी क्रूस पर। पिता परमेश्वर, उसी सैक्रिफाइस को याद करते हुए पिता, हम मान लेते हैं कि आपने इस बच्ची के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर रखा है। पिता परमेश्वर, इस फैमिली के लिए आपके स्ट्रेंथ को मांगते हैं, इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। एक मैसेज हमें मिला है, बहन ने अपने बेटे के मानसिक बीमारी के लिए प्रार्थना मांगी है, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर, कि आप इस बच्चे को एक रिन्यूड माइंड दे पिता परमेश्वर, एक नया माइंड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप इस परिवार पर कंट्रोल रखे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जब हम आपके नाम से मांगते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। जो भी चैलेंजेस ये बच्चा फेस कर रहा है परमेश्वर, उन सारे चैलेंजेस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी माँ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो कोई भी उनका ध्यान रख रहे हैं उन सबको भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप इस परिवार के साथ हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। बहन, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप वचन पढ़ें, क्योंकि वचन के जरिए ही आपको सामर्थ मिलेगा, आपको विजडम मिलेगा, आपको ग्रेस मिलेगा, आपको पेशेंस मिलेगा अपने बच्चे को बड़ा करने में। दोस्तों, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आएं और अपने जानने वालों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। बी काइंड एंड इंक्लूसिव, दे आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड लाइक अस। अभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप, वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेज के द्वारा अपने हार्ट लैंग्वेज में सेंड करें। हम तो चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो का आनंद लेते रहें। टेक केयर। दोस्तों, अगर आप भी प्रेयर चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और डायल कीजिए 9910401010 पर। हमारी लाइंस जो है ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हफ्ते के सातों दिन खुली रहती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करें, तो वी कैन डू दैट इज़ वेल। आप हमें कॉल करें एंड किसी भी कारण से डोंट हेजिटेट टू कॉल अस फॉर प्रेयर। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में उसके पास आएं, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और अपनी इच्छा अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज शुक्रिया शुक्रवार में हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। मोरम बिया कामते खुशी न पाए बट रिजॉइसेस विद द ट्रुथ प्रेमे हदाय रक्षा करे सबै कुरामा विश्वास राख्दछ प्रेम आशा त्यही पूर्ण होय से सहनशील अटे प्रेम कदी खत्म नहीं होता पर भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगियां। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी दिमाग बिशी बाल थकी वो होले भी एक दिन इतुखन सब भी पहुंच जाओ वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम हमारे बच्चे विद स्पेशल नीड्स के लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि ये परमेश्वर से एक बहुत ही उज्जवल भविष्य को पाएं और जीवन में आगे बढ़े और बहुत बड़े बड़े काम इनके जीवन से परमेश्वर करे। यस, और रिबेका, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हमने इस बात को अनुभव किया है व्यक्तिगत अपने जीवन में भी, और हमारे कई दशक हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया और कैसे उनके हालात बदल गए। तो दोस्तों, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। और शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को हम पढ़ने वाले हैं। पहला मैसेज जो है वो हमें अनु ने भेजा है, और अनु कह रही है, आपकी प्रार्थना की वजह से मेरे पति के ऊपर जो कर्जा था वो उतर गया। मैं CBN टीम की बहुत आभारी हूँ हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर का भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू अनु हमें बताने के लिए। हमें बहुत खुश है कि परमेश्वर आपके और आपके पति के जीवन में कार्य कर रहा है। हमें यकीन है परमेश्वर की आशीष में आप बने रहेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़े जेसिका का मैसेज। ये कह रही हैं, हम कई सालों से आपके कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमें आपके कार्यक्रम को देखकर बहुत प्रेरणा और उत्साह मिलता है और परमेश्वर में हमारा विश्वास मजबूत होता है। जेसिका, योर मैसेज इज सो इंकरेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। और हमारी प्रार्थना है कि आप इसी तरह विश्वास में आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में भरपूर हों। Yes, God bless you, Jessica. दोस्तों आइए, इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं। तो आइए मिलकर उस परमेश्वर से मांगते हैं जो हमारा पिता भी है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अच्छा है, तू भला है प्रभु। हमारे मुश्किलों में, हमारे चुनौतियों में भी तू हमारा साथ नहीं छोड़ता, तू हमें थामे रहता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए कि तेरा हाथ उनके ऊपर होगा प्रभु, वो तेरी भलाई को, अच्छाई को, करुणा को, छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रभु, हम खास प्रार्थना करते हैं इस सुबह हमारे उन दर्शकों के लिए जो माता पिता हैं और जिनके बच्चे जो है वो स्पेशल नीड्स के हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें बहुत अनुग्रह देगा, समझ देगा, ताकत देगा प्रभु, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश तेरे राहों में वो कर सके। उनके हर कमी घटी में, उनके हर जरूरत को तू अपनी महिमा के धन से पूरा कर प्रभु। ये तेरा वादा है कि जो तुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें कोई कमी नहीं होती। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन बच्चों को सुरक्षित रख प्रभु, हर बुराई से, हर तकलीफ से, हर पीड़ा से उन्हें तू बचा कर रख, क्योंकि तू अच्छा परमेश्वर है, तू जानता है हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं।
तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तेरा प्रेम हमारे लिए सच्चा है। आभार मन से हम यीशु मसीह के नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, वो अच्छा है और वो हमेशा वादा करता है कि हमारे साथ भलाई करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें किस तरह इंकरेजमेंट दे रहे हैं। दोस्तों, हम अपनाएं इस सच्चाई को जिस तरह से प्रभु ने हमें बनाया है, खासकर उन बच्चों को जो स्पेशल नीड्स के हैं। हम हमारा जो ये पूरे महीने का टॉपिक है इंक्लूजन, हम उन्हें भी अपने लाइफ्स में इंक्लूड करें, हमारे दिलों में हम उन्हें इंक्लूड करें। जी बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई। दोस्तों, आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है और जाते जाते हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत, जो गा रही है सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की कॉयर। इस गीत के द्वारा आप भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। ये गीत है गॉड स्टिल लव्स द वर्ल्ड, इंडीड गॉड लव्स एवरीवन। तो सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। Tiny star that twinkles in the night sky, every drop of morning dew, every spark of fire blazing in the furnace, every captivating view. Passionately busy loving you.